हिमाचल प्रदेश शहरी कांग्रेस कमेटी मंडी ने शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को लेकर मंडी में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश शहरी कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष अनिल सेन ने कहा कि शिमला वासियों ने विकास पर मुहर लगाई है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है और शिमला नगर निगम में मिली जीत का श्रेय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाता है, क्योंकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी वर्गों को एक साथ लेकर कार्य कर रहे हैं। आज हम सब ने शहरी कांग्रेस, उसके साथ सचिव हमारे जो स्टेट के हैं देवेंद्र शर्मा जी, जिला के हमारे महामंत्री प्रदीप जी, मौर्य जी, जगदीश जी, रिद्धि जी, विनय जी, हम सब और इसके साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने जो रिजल्ट नगर निगम के शिमला में निकले हैं, कांग्रेस पार्टी ने जहां पे अपना परचम लहराया है, और ये पहली बार है कि 34 में से 24 सीटें किसी राजनीतिक दल ने ली। इससे पहले जो राजनीतिक दल चुनाव जीतते थे तो वो 18-19 सीटें ही ले पाते थे, लेकिन इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में जो एक भारी जीत मिली है उसका श्रेय उनको जाता है। उसकी इसके लिए हमने आज मंडी शहर में लोगों को मिठाई बांटी और बच्चों ने पटाखे चला के भी खुशियाँ मनाई और कांग्रेस के नारे, जिंदाबाद के नारे लगे। और हम आगे को भी उम्मीद करते हैं, जिस हिसाब से माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने 5-6 महीने में अपना परचम लहराया है, ये आगे को और बढ़ेगा। आप और देखेंगे आगे आने वाले चुनाव में, पार्लियामेंट है या कोई और दूसरे चुनाव है, सभी में हमारी जीत मिलेगी, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी जो है वो गरीबों के प्रति है, अनाथ लोगों के प्रति है, स्टूडेंट्स के प्रति है, हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनकी फेवर में है। तो इसलिए जो है लोग इनको बहुत ही चाह रहे हैं और आगे जो भी रिजल्ट या जो भी इलेक्शन आगे को आएंगे आप उसमें इसमें नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। इस दौरान गांधी भवन मंडी में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।